भारत बंद के मैसेज के बाद पुलिस और सरकार देश भर में हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्विटर पर दी गई धमकी के मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल को शिकायत की गई है, जिसमें उन्होंने धमकी देने वाले पर कार्यवाही करने की मांग की है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भारत बंद के मैसेज पर देश में अशोक गहलोत ने सबसे शांति बनाए रखने की अपील की थी, जिसके कुछ देर बाद ही अशोक गहलोत को सोशल मीडिया पर धमकी दी गई, जिसमें लिखा गया जो शख्स गहलोत का घर तोड़ेगा उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस धमकी के बाद अशोक गहलोत के सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोकेश शर्मा ने जयपुर कमिश्नरेट में इसकी शिकायत की है। बता दें कि जाति आधारित आरक्षण के विरोध में भारत बंद का मंगलवार को मिला जुला असर देखने को मिला। जयपुर सहित राजस्थान में ज्यादातर शहरों में सुबह शिक्षण संस्थान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सीकर और कोटा में बंद का व्यापक असर देखा गया। बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया था। जयपुर में 15,000 जवान तैनात किए गए थे। सुरक्षा को देखते हुए जयपुर और जालौर में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, साथ ही यहां धारा 144 लगा दी गई थी। वहीं बंद को लेकर असमंजस है। व्यापारी ना तो इसका समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध।